कैसे हैं आप लोग सब? ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपको सिखा रही हूँ गुलगुले, क्रीमी गुलगुले। क्रीमी गुलगुले ये हैदराबाद के ख़ास डिश है। आज मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या क्या चीज़ें डलेंगी। आइए अब मैं बताती हूँ। किशमिश, खाने का सोडा, ब्राउन शुगर, अंडा, क्रीम, ये है आपका, ये तिल, बादाम, खोपरा, छोटी इलायची जिसको हमने ग्राइंड किया हुआ है, दूध, और ये आपका मैदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आइए शुरू करते हैं। जितना आपको लेना हो मैदा उतना ही लेके आप यूज़ कीजिएगा, इस्तेमाल कीजिए। मैदा हो गया, मैदे में हमने खाने का सोडा डाला, ब्राउन शुगर, इलायची, दूध मिक्स कर रहे हैं। इसको थोड़ा सा ठीक इसको हम मिक्स करेंगे। इसमें अंडा ऐड कर रहे हैं। अच्छा, अंडे की हम ऐसे करते हैं, वाइट हमने अंडे का वाइट हिस्सा जो है डाल दिया है और येलो को अलहदा कर दिया है। हम इसके बीटर से थोड़ा बीट करते हैं। मैं इसमें किशमिश डाल दी, इसमें खोपरा डाला, इसका भी हमने बचा लिया, बादाम डाला, ये तिल, वाइट सफ़ेद वाली तिल डाल दी हमने इसमें, इसको पूरी डाल दी। हम अब इसमें ऑयल डाल रहे हैं। मैं घी से घी इस्तेमाल करती हूँ, आप लोग ऑयल कह रहे हैं घी कह रहे हैं एक ही बात है। आप लोगों के दिन आप इसके अंदर थोड़ा और डालते हैं। अब हम इसको फ्राई कर रहे हैं, गुलगुलों को हम फ्राई कर रहे हैं। ये देखें, हमने इसमें जल्दी नहीं डाली तो ये फूल नहीं रहे। देखिए ये अजीब से लग रहा है ना, हम इसमें जल्दी भी ऐड कर देते हैं। ठीक है, जल्दी भी ऐड कर दी। तारी का टाइम हो रहा है तो जल्दी जल्दी हम बना लेते हैं। नहीं, चिड़कल वकल नहीं दिखाना है। ये फिर हम बना रहे हैं, जल्दी जल्दी इसको फ्राई करें इंशाल्लाह जल्दी। अब इसमें थोड़ा दूध डालेंगे, थोड़ा सा डालेंगे, ज़्यादा नहीं, आधा से भी कम कप। इसको ऊपर नीचे करेंगे, मिक्स करेंगे ताकि ये थोड़ा दूध नरम हो जाए। अब इसमें क्रीम ऐड करेंगे, क्रीम मिक्स कर दिया।
अच्छी तरह मिक्स करेंगे। क्रीम मिक्स हो गई अच्छी तरह, क्रीम मिक्स हो गई इसमें। मैं डेकोरेशन कर रहे हैं इसकी, इस तरह बादाम डाला हमने ऊपर, बादाम डाल दिए, किशमिश है, किशमिश डाल दिया हमने, कोपरा डाल दिया, अब ये तैयार है। उसको खूब मज़े बनाइए आप लोग और खूब मज़े से खाइए और मुझे कमेंट कीजिए और अभी मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।